हेलो हाय, आप देख रहे हैं द ललन टॉप। करण जौहर की प्रोडक्शन में बनी फिल्म कलंक रिलीज होने वाली है। हाल ही में फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया जिसे खूब देखा जा रहा है, लेकिन रिस्पॉन्स कुछ खास नहीं है। इसका ट्रेलर आने के बाद लोगों को फिल्म की बेसिक कहानी के बारे में पता चला। ट्रेलर में हमें ये देखने को मिलता है कि आलिया भट्ट जो कि रूप का किरदार निभा रही हैं और सोनाक्षी सिन्हा जो कि सत्या का किरदार निभा रही हैं, दोनों ही आदित्य रॉय कपूर यानी देव चौधरी से शादी करती हैं। साथ में संजय दत्त, माधुरी दीक्षित और वरुण आलिया के बीच में एक रोमांटिक एंगल भी देखने को मिलता है। और ये सब घट रहा है आजादी वाले दौर में। इस फिल्म को टू स्टेट्स बनाने वाले अभिषेक वर्मन ने डायरेक्ट किया है। दिक्कत कहाँ आ रही है अब? देखो, फिल्म की इसी कहानी को लेकर विवाद शुरू हो गया है। ट्रेलर देखने के बाद कुछ लोगों को लगा कि ये कहानी किसी किताब से उठाई गई है। हमारी टीम के मेंबर श्वेतांक ने इस पर थोड़ी तफ्तीश की। इससे पता चला कि साल 2000 में व्हाट द बॉडी रिमेंबर्स नाम की एक किताब आई थी। इस किताब को लिखा था भारतीय मूल की अमेरिकी राइटर शौना सिंह बॉल्डविन ने। इस किताब में भी एक रईस घर के ऐसे लड़के की कहानी थी जिसे पहली पत्नी से बच्चा नहीं होता, जिसके बाद उसकी शादी गांव की एक लड़की से कर दी जाती है। बाद में इन महिलाओं के बीच में एक अजीब तरीके का जटिल सा रिश्ता बन जाता है और ये सब कुछ भी घट रहा है 1947 के आसपास। अब ये जान लीजिए कि फिल्म की कहानी किसने लिखी है। जब किन्हीं दो कहानियों में इतनी समानताएं मिले तो सवाल उठना लाजमी है। लेकिन एक चीज जो कहानी को किताब से उठाए जाने के शक को बढ़ाती है वो ये कि किताब और फिल्म दोनों के किरदारों के नाम सेम है। कलंक की कहानी शिवानी बठीजा ने लिखी है। शिवानी इससे पहले करण जौहर के लिए माय नेम इज खान जैसी फिल्म की स्टोरी लिख चुकी हैं। अगर शिवानी की करियर पर नजर डालें तो वो अब तक कभी अलविदा ना कहना, फना और किडनैप जैसी फिल्में लिख चुकी हैं। शिवानी की इस कहानी पर करण जौहर के पापा ने जब फिल्म बनाने की सोची थी वो 2001-02 के बीच की बात है, यानी ठीक वही समय जब व्हाट द बॉडी रिमेंबर्स रिलीज हुई थी। इस फिल्म की शूटिंग लोकेशन की रेकी के लिए यश जौहर एक बार पाकिस्तान भी जा चुके थे, लेकिन अलग अलग अड़चनों की वजह से तब वो इस फिल्म को नहीं बना पाए। लेकिन अब इसे करण जौहर ने बनाया है। अब फिल्म से जुड़े लोगों का क्या कहना है इस पर ये भी जान लीजिए। जब इस विवाद के बारे में फिल्म को प्रमोट करने में लगे वरुण धवन से पूछा गया तो उनका कहना ये था कि कोई भी फिल्म मेकर इतना बेवकूफ नहीं होगा कि कहीं से कहानी कॉपी करे और उनके किरदारों के नाम बदले बगैर बना दे। उन्होंने फिल्म और किताब के किरदारों के नामों के बीच समानता को संयोग भर बताया है। अब इस मामले में आगे क्या होता है ये देखना दिलचस्प होगा। बाकी अभी तक तो ये फिल्म 17 अप्रैल 2019 को रिलीज हो रही है। आगे देखते हैं, कोई जवाब आता है तो जरूर आपको बता दिया जाएगा। ओनली ऑन द ललन टॉप। तो देखते रहिए, हम फेसबुक पर हैं, वहाँ देख रहे हैं तो लाइक कर चुके हैं, दूसरों से करवा दीजिए। अगर आप देख रहे हैं यूट्यूब पर तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरों से भी करवा लीजिए। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमारी ऐप भी आ चुकी है एंड्रॉयड यूजर्स के लिए। प्ले स्टोर में जाइए और हमारी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। शुक्रिया।